हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलार अकेडमी। आज हम क्लास फिफ्थ सोशल स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 7 द इक्विटोरियल रीजन पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट के अंदर हम ये जो हमारा चैप्टर द इक्विटोरियल रीजन, इसका हम रिवीजन करेंगे। पॉइंट टू रिमेंबर्स एंड न्यू वर्ड्स हम इसके देखेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, इसके सबसे पहले इसके अंदर क्या बताया गया था कि जो हमारा टोरॉइड जोन होता है, इक्वेटर के दोनों साइड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो हिस्सा होता है, उसके अंदर हमारा इक्वेटोरियल रीजन लाई करता है। ठीक है, हम इक्वेटोरियल रीजन को इक्वेटर के दोनों साइड में देख सकते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में उनको देख सकते हैं। ओके, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है थ्रू आउट द ईयर। ओके, ये हमने मैप देखा था। यहाँ पर हमारा जो इक्वेटोरियल रीजन होगा कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका के अंदर। देखिए, साउथ अमेरिका के अंदर ये जो इक्वेटर का पास का जो एरिया है ये वाला है। ठीक है, ये जो एरिया है ये भी क्या हमारा इक्वेटोरियल रीजन है। ये वाला जो हिस्सा है अफ्रीका के अंदर, ये वाला इक्वेटोरियल रीजन है। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को भी हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। ठीक है, ये सभी क्या हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। ओके, ये हमारे कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। ओके, जो इक्वेटर के दोनों साइड में लाई कर रहे हैं। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है सब वो कहाँ कहाँ लाई करते हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हमने एक इक्वेटोरियल रीजन के बारे में पढ़ा था कि वो कौन सा कंट्री है, वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ओके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक ऐसी कंट्री है जिस जो कि क्या है, इक्वेटोरियल रीजन के अंदर लाई करती है। ओके, इस कंट्री के अलग अलग फीचर्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो सेंट्रल अफ्रीका के अंदर लाई करती है। ये अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है अल्जीरिया के बाद में। ठीक है, जो इस ये जो हमारी कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसकी कैपिटल है किनशासा। ओके, ये जो कंट्री है हमारी कॉन्गो, इसके क्या है, ये 9 कंट्रीज से सराउंडेड है। इसके चारों तरफ क्या नॉर्थ कंट्रीज हमारी लाई करती हैं। ठीक है, वेस्ट के अंदर है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ के अंदर है ना एंगोला, ओके जम्बिया साउथ के अंदर है, नॉर्थ के अंदर हमारी आ जाती है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और ईस्ट के अंदर आते हैं हमारे पास युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया। ओके, इसके बाद हम इसकी ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इसका एरिया कितना है, 23,44,858 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, जो इसका वेस्टर्न पार्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, वो क्या है, अटलांटिक ओशन को टच करता है। ठीक है, इस पूरी कंट्री के अंदर जो हमारी रिवर कॉन्गो है, इसकी बेसिन्स यहाँ पर फैली हुई है। ओके, जो हमारी रिवर कॉन्गो हो क्या है, इस कंट्री की मेन फीचर है। ठीक है, जो कि क्या है, पूरी कंट्री के अंदर, लगभग पूरी कंट्री के अंदर फैली हुई और वहाँ पर वाटर प्रोवाइड करवाती है। ओके, जो हमारा रिवर वाला जो बेसिन है वो क्या है, लो लाइंग एरिया है, जो कि क्या माउंटेन्स और प्लेट्यूड से घिरा हुआ है। ओके, इसके जो हमारी भी रिवर है, जो कंट्री है हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, या फिर जो रिवर बेसिन है हमारा रिवर कॉन्गो बेसिन, ठीक है, इसके नॉर्थ ईस्ट में हमारा रुवेन्जोरी रेंज लाई करती है, और जो साउथ ईस्ट है वहाँ पर हमारा मितुम्बा माउंटेन रेंज लाई करती है। ठीक है, ये जो रेंजेज हैं इनके अंदर मार्गरीटा जो पीक वो क्या है, सबसे ऊँची पीक है। ठीक है, माउंटेन्स के साथ साथ यहाँ पर साबा प्लेटू साउथ के अंदर लाई करता है, एंगोला प्लेटू साउथ वेस्ट के अंदर लाई करता है। ठीक है, माउंटेन्स और प्लेटूज के साथ साथ यहाँ पर 4 लेक्स है, 4 लेक है, कौन कौन सी हैं, एल्बर्ट, एडवर्ड, कियो और तंगीका। ओके, ठीक है, ये तो क्या था यहाँ का ज्योग्राफी थी। ओके, इसके बाद हम आगे क्लाइमेट के बारे में देखते हैं। क्लाइमेट में है
जो क्लाइमेट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो टोरोइड जोन जैसा ही है, ठीक है। टोरोइड जोन के अंदर लाई करता है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो टोरोइड जोन जैसा होगा, ठीक है। क्लाइमेट क्या होता है, यहाँ का बहुत गर्म होता है और क्या होता है, वेट होता है, ओके। इसके बाद है वेजिटेशन। वेजिटेशन यहाँ पर क्या है, पूरे समय यहाँ पर बारिश होती रहती है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो जंगल है हमारे यहाँ के फॉरेस्ट, वो क्या है, पूरे साल हरे भरे रहते हैं, ठीक है। ग्रासेज, शॉप्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स या फिर टॉल ट्रीज, अब वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सभी क्या करते हैं, मिलकर एक कैनोपी बना लेते हैं, जिससे कि क्या है, नीचे पूरे जंगल के अंदर अंधेरा हो जाता है और सनलाइट को ये पास होने नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हर समय क्या होते हैं, जो पेड़ होते हैं क्या, हरे भरे रहते हैं, इसलिए हम इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। और जो है हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इनके एनिमल लाइफ को हम अगर देखते हैं, तो हमें यहाँ पर बहुत सारे जानवर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जो मंकीज है, चिंपैंजी, गोरिल्लाज या फिर बबून्स है, वो हमें पेड़ों के ऊपर लटकते हुए दिखाई दे जाएंगे। एलिफेंट्स, हिप्पोज, लायंस, जिराफ, राइनोज है, वो हमें मार्श लैंड के अंदर देखने को मिलेंगे। फिश, एलिगेटर, क्रोकोडाइल्स है, वो हमें रिवर के अंदर, लेक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो एंटीलोप्स हैं, जिराफ्स, एलोएंस है, वो इस कंट्री ग्रास लैंड्स के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, ओके। यहाँ पर एक क्या बताया जाता है कि ये एक ऐसा देश है जहाँ पर एक समय में क्या था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे को पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा हिपोपोटामस देखने को मिलते थे, ठीक है। लेकिन उसकी उनका शिकार की वजह से, ठीक है, उनकी जो पोचिंग की वजह से, हिपोपोटामस की पोचिंग की वजह से यहाँ पर क्या है, हिपोपोटामस की जो जनसंख्या है वो क्या है, बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है, ओके। एनिमल लाइफ के बाद हम पीपल एंड कल्चर को देखते हैं, कि यहाँ पर जो लोग हो क्या है, छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर बहुत ज़्यादा जगह के ऊपर बटे हुए हैं। कुछ जो लोग हैं वो क्या है, टाउन्स एंड विलेजेस, सिटीज़ के अंदर रहते हैं, तो बचे हुए जो लोग हैं वो विलेजेस के अंदर रहते हैं, ठीक है। जो लोग टाउन्स या फिर सिटीज़ के अंदर रहते हैं, वो किस लिए गए, वहाँ पर मील्स के अंदर काम करने के लिए, ठीक है, और वेस्टर्न लाइफस्टाइल को उन्होंने अपना लिया है। जो यहाँ पर रिवर बेसिन के ऊपर गाँव के अंदर जो लोग रहते हैं, वो क्या है, हटों के अंदर रहते हैं, हट्स के अंदर रहते हैं, जो कि क्या है, पाम लीफ से बने हुए हैं, ठीक है। ये जो लोग होते क्या है, इनकी जो हाइट होती है क्या होती है, बहुत ही कम होती है, 150 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इनको हम पिगिम्स कहते हैं, ठीक है। इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, फ्रेंच है, लेकिन जो मिलिट्री है यहाँ की, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, लिंगाला है। इसके बाद अगर हम इनकी इकोनॉमी देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे को बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ का मेन पर्पस क्या होता है, डायमंड एंड कोबाल्ट का यहाँ पर मेन मिनरल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो कोबाल्ट यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, वो क्या है, पूरे वर्ल्ड का 0.5% है, 50% है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जो कोबाल्ट प्रोड्यूस किया जाता है, उनका 50% हमारा इस देश के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, ओके। दूसरे मिनरल्स जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीज, यूरेनियम, जर्मेनियम, आयरन और कोल्ड बॉक्साइट्स, ये सभी हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। माइनिंग यहाँ का चीफ इंडस्ट्रीज़ कहलाती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमें देखने को मिल सकती है। वाटर यहाँ पर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है, जिससे कि क्या है, कोंगो रिवर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जो कि क्या है, दूसरे देशों के अंदर भी भेजी जाती है। इसके बाद इनका ऑक्यूपेशन में आ जाएगी, तो इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग है, ठीक है। बहुत सारे जंगल्स हैं जिनका कटाव कर दिया गया, काट दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं फार्मिंग के लिए, ठीक है। राइस में जो कसावाज होते हैं, आगे क्या है, मेन क्रॉप्स है जो यहाँ पर उगाई जाती हैं। कसावा एक ऐसी जड़ होती है, ठीक है, जो क्या होती है, बिल्कुल सूखी होती है, और इसको क्या है, पीस कर फ्लोर बना लिया जाता है, आटा बनाया जाता है, जिससे क्या ब्रेड बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्रैश क्रॉप्स भी उगाई जाती है, जैसे कि क्या है, कोकोआ, कॉफ़ी, टबैको, कॉटन, रबर या फिर ऑयल पाम, से ये कैश क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हो क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं वो बिल्कुल इस कंट्री के सेंटर के अंदर लाई करती है, माइनिंग से वो सेंटर के अंदर लाई करती हैं, ठीक है। इसीलिए उनका मेन जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रेलवेज या फिर रोड्स के द्वारा कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है। एयर ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर धीरे धीरे कर पॉपुलर हो रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ तीन सिटीज, शहर यहाँ पर कौन कौन से हैं,
ठीक है, इनका जो मेन कैपिटल सिटी है वो क्या है, किनशासा है, जिसकी जो जनसंख्या वो क्या है, 10 लाख से ज़्यादा है, 1 मिलियन से ज़्यादा है। ठीक है, उसके साथ साथ जो दूसरी की जो सिटीज़ हैं यहाँ पर, शहर है, वो हैं लुम्बाशी, ठीक है, मबूजी माई, किसानगनी, ठीक है, कनांगा, ठीक है। जो लुम्बासी है वो मिनरल्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिच है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद कुछ पोर्ट सिटीज़ हैं, ठीक है, तट के किनारे, ठीक है, समुंदर का जो तट होता है, कोस्ट होता है, उसके किनारे कुछ बसे हुए शहर हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, कवांगा, किसानगवी एंड मटाडी। ओके, यहाँ पर शूज़ और टेक्सटाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी किनशासा और लुम्बाशी शहर के अंदर की जाती है। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उनके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर इस देश का अगर डेवलपमेंट सही हो और इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो, ठीक है, तो ये क्या है, इस कॉन्टिनेंट के ऊपर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर सबसे रिचेस्ट नेशन बनकर आ सकता है। ओके, तो ये था हमारे इस चैप्टर को, एक बार हमने पढ़ लिया है, अभी आगे हम न्यू वर्ड्स देखते हैं। ठीक है, तो न्यू वर्ड्स के अंदर पहला वर्ड है वेजिटेशन। ओके, तो वेजिटेशन होता है प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, ठीक है, जो वनस्पति होते हैं, प्लांट्स हो गए, फ्लावर्स, ट्रीज, जो कुछ भी जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, वो सभी क्या हमारे वेजिटेशन के अंदर आती हैं। इसके बाद आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट कंसिस्ट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कि किसी की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएँ हैं, बेसिक सुविधाएँ हैं, आम सुविधाएँ, वो प्रोवाइड कर दी गई हो, ठीक है, उन्हें हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग, रोड, रेल्स, ठीक है, ये सब क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट, ठीक है, किसी चीज़ को दूसरे कंट्रीज़ के अंदर सेल करना, बेचना, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे, सेंड टू अनदर कंट्री फॉर सेल, सेल के लिए दूसरी कंट्री के अंदर सामान बेचना। ओके, उसके बाद आते हैं एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड क्या होती हैं, कुछ ऐसी प्रजातियाँ एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की जो कि क्या है, खतरे पर हैं, डेंजर में हैं, जो कि क्या है, कभी भी ख़त्म हो सकती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, एंडेंजर्ड कहेंगे। ठीक है, जैसे टू बी इन डेंजर एंड बिकम एक्सटिंक्ट। ओके, इसके बाद आता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट क्या होती हैं, जो प्रजातियाँ, वो प्रजातियाँ पेड़ों की या फिर जो एनिमल्स हैं उनकी, जो कि क्या है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, टू बी नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उसके बाद आती है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स कौन से होते हैं, वो क्रॉप्स जिनसे हमें क्या है, कैश मिलता है। ठीक है, क्रॉप्स दैट आर सोल्ड टू बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल, वो क्रॉप्स जिनको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करने के लिए बेच देते हैं। ओके, ये थे हमारे न्यू वर्ड्स। इसके बाद आते हैं हमारे पास पॉइंट टू रिमेंबर। पॉइंट टू रिमेंबर के अंदर फर्स्ट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लाइज इन इक्वेटोरियल रीजन। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो हमारा इक्वेटोरियल रीजन के अंदर लाई करता है। ठीक है, इसके बाद जो किनशासा शहर है वो क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल है। ओके, द कंट्री हैज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, जो ये कंट्री हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये क्या, यहाँ पर क्या है, हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कंट्री हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ, यहाँ पर क्या हमारे को बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स हैं, ये सभी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फार्मिंग और जो माइनिंग है यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। पिग गेम्स यहाँ की क्या है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। ठीक है, जिनकी जो नंबरिंग क्या है, कम होती जा रही है, जो कि क्या है, इतोरी फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। इक्वेटोरियल रीजन क्या होते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है यहाँ का। फ्रेंच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, बोनोब्स एंड पिग गेम्स चिंपैंजीज आर फाउंड ओनली इन दिस कंट्री। ठीक है, जो बोनोम्स है या फिर पिगमी जो चिंपैंजीज हैं, वो हमें सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, तो इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने इस चैप्टर का रिवीजन किया है, इक्वेटोरियल रीजन का रिवीजन किया है। ठीक है, इसके न्यू वर्ड्स देखे हैं हमने और पॉइंट टू रिमेंबर्स हमने पढ़े हैं। ओके, तो इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज बच जाती है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी नई वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।